अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब देश के अमीर कारोबारी अयोध्या से ही नई कहानी लिखने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अयोध्या का विकास तो हो ही, साथ ही उनकी दौलत में भी बढ़ोतरी हो सके, जिसका रास्ता सिर्फ शेयर बाजार से ही होकर गुजरता है। हम सभी ने देखा है कि कैसे राम मंदिर ने किस तरह से शेयर बाजार में लिमिटेड कंपनियों को प्रभावित किया है। आने वाले एक दशक में ये और भी ज्यादा प्रभावित होने जा रहा है। अब अयोध्या में टाटा के बाद देश के और दो बड़े ब्रांड्स एंट्री करने जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम मुकेश अंबानी और दूसरा नाम गौतम अडानी है। दोनों ही अयोध्या में अपने FMCG प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं। बिजोम पहले ही अपने रिपोर्ट्स में कह चुका है कि किस तरह से अयोध्या के किराना दुकानदारों ने सामान का स्टॉक रखना शुरू कर दिया है। अगर अडानी और अंबानी के प्रोडक्ट्स की सेल में इजाफा हुआ तो अडानी ग्रुप और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में इजाफा होगा, जिसकी वजह से दोनों अरबपतियों की दौलत में इजाफा देखने को मिलेगा। रिलायंस का जियो देश के कोने कोने में मौजूद है, लेकिन अयोध्या के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अलग से प्लान बना लिया है। मुकेश अंबानी की कंज्यूमर कंपनी ने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा, स्नैक्स और इंडिपेंडेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की प्लानिंग शुरू कर दी है, ताकि आने वाले दिनों में जब अयोध्या में भक्तों का आना शुरू हो तो उनको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस न हो। कंपनी अयोध्या में आने वाले भक्तों को अपने इंडिपेंडेंट ब्रांड वाटर फ्री में देने की प्लानिंग शुरू कर दी है। भारत के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी ने भी अयोध्या में एंट्री ले ली है। अडानी अपने फॉर्चून ब्रांड के सहारे शहर में अपनी धाक जमाने की जुगत में हैं। गौतम अडानी अपनी खुद के कंपनी अडानी विल्मर ने अपने फॉर्चून ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कई तरह के उपाय कर लिए हैं। कंपनी ने अपने फॉर्चून ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए शहर के ढाबों के साथ डील की है। जब से राम मंदिर का बस बना है, तब से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। जो जो कंपनियां राम मंदिर के काम और अयोध्या के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, उन पर कंपनियों के शेयरों में इजाफा देखने को मिला है। मुकेश अंबानी दुनिया के 11वें सबसे अमीर कारोबारी हैं, वहीं गौतम अडानी दुनिया के 14वें सबसे अमीर कारोबारी हैं। भारत के दो कारोबारी भी इस उम्मीद में हैं कि राम उनकी नैया भी पार लगा देंगे।